We want justice. हक हमारा. आपने कैंडल मार्च किसने की है? आज जो कैंडल आज जो हमारा कैंडल लाइट ये कैंडल मार्च था, ये हम इसलिए कर रहे हैं. हमारे ये जो मुर्फद शाह जी, जो लास्ट टाइम आपने देखा कि मुबारक फरूक अब्दुल्ला जी की कोठी में उनको गोली मार दी जाती है. मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नर साहब से अपील करना चाहता हूँ, जो भी हमारे जम्मू में, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, वो हमारा डोगरा है. और हम सभी डोगरे इकट्ठे होके आज हमने ये रैली निकाली है जानीपुर में डोगरा संगठन की तरफ से. और मैं अपील करना चाहता हूँ गवर्नर साहब से और मैं उनके सलाहकारों से भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर ये FIR नहीं लगी तो हम आने वाले कल में बहुत बड़े आंदोलन करेंगे. और मैं उनको ये चेतावनी देता हूँ, और उनको पता है कि हमारा डोगरा संगठन जब भी कोई काम हाथ में पकड़ता है वो पूरा बराबर करता है. और मैं अपील करना चाहता हूँ गवर्नर साहब से कि ये FIR इनकी लगाई जाए. और हम शुक्रगुजार हैं कि ये हमारे जो भी हमारे साथ आए हैं, हमारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, आज सारे भाई इकट्ठे होके हमारे मुर्शिद शाह जी को एक उनके याद में हम एक उनको कैंडल मार्च निकाली और एक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. हमारा बच्चा जो फरूक अब्दुल्ला की कोठी के बाहर जाने पर उस पे गोलियों का हमला हुआ, उसने जान गुमानी पड़ी. साथियों, मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जो बच्चा हमारा बीच में नहीं रहा, उस बहन का क्या हाल होगा जिसका भाई उससे जुदा हो गया, उस पिता का, उस माता का क्या हाल होगा जिसका बेटा उनसे जुदा हो गया. ना तो हम उस बहन को वो भाई लुटा सकते हैं, ना उस माता पिता को हम उनका पुत्र लुटा सकते हैं, मगर आज इस जगह पे जानीपुर चौक में हम हिंदू मुस्लिम जितनी कम्युनिटी के लोग हैं सब इकट्ठे हुए हैं. हम उनको उनका भाई तो नहीं लुटा सकते, मगर जो इंसाफ के लिए उस बच्चे को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि चाहिए होगी. सच्चे सुमन जो है फूलों के, उनके अर्पण यही होंगे. पहले तो मैं कहता हूँ भगवान है खुदा, उस बच्चे की आत्मा को अपनी आगोश में लिए. और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, जो बच्चा आज हमारे बीच में नहीं है उसकी सच्ची श्रद्धांजलि चाहिए होगी. जम्मू शहर के सब लोग जागो और उसकी इंसाफ के लिए, उसके जस्टिस के लिए आवाज उठाए, उसकी आवाज की उठाए ताकि उस बच्चे को इंसान मिल सके. आपकी गवर्नमेंट से क्या अपील है? हमारी गवर्नमेंट से जो अपील है उस पर फौरन FIR लगाई जाए, क्योंकि मैं भी शिव शक्ति सेना का J&K का प्रेसिडेंट हूँ, ये डोगरा फ्रंट के है. मैं अपील करना चाहता हूँ जितने भी धार्मिक, जितने भी संगठन है जम्मू शहर के, सोशल जितने भी है, वोट मांगने के लिए तो आप आ जाते हैं. सिविल सोसाइटी जितने भी लोग हैं, मेरी माता है, मेरी बहन है, ये मसला हिंदू हमारा हक है, 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 वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, हमारा हक है, हमारा हक, हमारा हक. आज कहना पड़ता है कि आजकल के इतने मीडिया के समय पर भी हमारे बच्चों के साथ इतनी नाइंसाफी होती है, जो कि उसको बिना सोचे समझे गोलियों से भून दिया जाता है और ना ही उसको कोई इंसाफ मिलता है. हम ये चाहते हैं, गवर्नमेंट से अपील है कि उसके खिलाफ FIR लगा करके ये केस की जो इंक्वायरी है CBI से करवाई जाए, ताकि जो सही सच में सच सामने आ सके और इस बच्चे को इंसाफ मिल सके. जो ये बच्चा 20-21 साल की उम्र का, जो अपने माता पिता के बुढ़ापे का सहारा बनना था, आज वो माँ बाप उसको, उसका जो पार्थिव शरीर है अपने कंधों पर उठा करके लेकर के गए हैं, उनकी क्या हालत होगी, उन पर क्या बीतेगी, वो किसके सहारे रहेंगे, उनके पास ये बच्चा कहाँ से आएगा. कम से कम गवर्नमेंट इतना तो कर सकती है कि एक FIR लगा करके इसकी सही इन्वेस्टिगेशन करवा करके और इसका सही इंसाफ दिला करके जो इसके अंदर कसूरवार है, जो गुनाहगार है, उनको सजा मिले और इनको एक इंसाफ मिले. यही एक अपील है और ये हम सब भाइयों की अपील है. नहीं तो ये जैसा सभी ने कहा वैसा हम भी ये इसके लिए तैयार हैं. कोई भी एजिटेशन इसके लिए करनी पड़ेगी, हम सब साथ हैं. हमारा हक,
एक मिनट चलो सामने लाओ लाते जाओ लाते जाओ यहाँ पे भाई आए हुए हैं वो कुछ हिंदू लोग हैं कुछ मुसलमान लोग हैं कुछ सिख हैं कुछ ईसाई हैं वो सभी आज उन्होंने अपने भाईचारे का मैसेज दिया है और हमें आगे भी इनकी जरूरत पड़ेगी और मैं चाहता हूँ कि आगे भी हमारा वो ऐसे ही साथ दें हमने एडमिनिस्ट्रेशन को झुकाना है और FIR लगवानी है और इंक्वायरी करवानी है बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद We won! Yes, we won!